गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम अपनी रीडर बुक का पेज नंबर 117 करेंगे, जिस पर आपकी पोएम है प्लांट अ सीड। प्लांट अ सीड, सीड मीन्स क्या होता है? बीज। तो ये जो हमारी यूनिट 5 है गो ग्रीन, इसमें हमें जितने भी लेसन्स और पोएम वगैरह जो भी हम रीड करेंगे वो सारी हमारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, कि हम अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ और सुरक्षित कैसे बना सकते हैं, स्वच्छ कैसे रख सकते हैं, इस धरती को हम जीने लायक कैसे बना सकते हैं कि इस पर जीवन हमेशा के लिए संभव रहे। तो यहाँ पर ये पोएम है प्लांट अ सीड। इससे पहले आपका पेज 116 पर एक B1 पार्ट है, इस पर कुछ स्लोगन्स दिए गए हैं और इन स्लोगन्स को यूज़ करते हुए हमें पैराग्राफ लिखना है आवर एनवायरनमेंट। और ये जो पैराग्राफ है आवर एनवायरनमेंट हम बुक में ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये पेज नंबर 116 ही करवाया है मैंने पैराग्राफ आवर एनवायरनमेंट। तो इसे हम बुक में नहीं करेंगे, ये हम नोटबुक में कर चुके हैं। और आज हम B2 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। नाउ रीड अ रिक्वेस्ट ऑफ अ चाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम, कि पोएम की फॉर्म में एक चाइल्ड की रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है ये। ही वॉन्ट्स एवरीवन टू प्लांट अ सीड, वो चाहते हैं कि हर कोई एक सीड प्लांट करे उगाए। एंड टेक केयर ऑफ इट, टेक केयर करना क्या होता है, जैसे टेक केयर करना आप क्या कहोगे उसे हिंदी में, देखभाल करना। टेक केयर ऑफ इट द वे ट्रीज टेक केयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, और हमें उस सीड की ऐसे ही देखभाल करनी चाहिए जैसे ट्रीज हम ह्यूमन बींग्स की करते हैं। ट्रीज तो एक जगह खड़े होते हैं, तो वो हमारी ह्यूमन बींग्स की केयर कैसे करते हैं, क्या आप बता सकते हो? यस, ट्रीज ह्यूमन बींग्स की केयर कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? ट्रीज़ जो भी आपके हैं वो फल हो गया, लकड़ियाँ हो गई, मेडिसन्स हो गई, ऑक्सीजन हो गई, इन चीज़ों को कौन यूज़ करता है? हम ह्यूमन बींग्स करते हैं। जो भी चीज़ पेड़ों से हमें मिलती है वो हम ही यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स, तो वो हमारी एक तरह से सेवा ही कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड ये आज की हमारी पोएम है प्लांट अ सीड। Let's try to read this. Plant a seed into the ground and stand back and watch it grow. Watch it spread its wings of life, withstand the heat and snow. First para aap dekhoge. Plant a seed into the ground, stand back and watch it grow. Ki ek seed ko aap ground mein, ज़मीन में उगा कर देखो, स्टैंड बैक, और उसे कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए रुको और देखो, वॉच इट ग्रो। ग्रो मीन्स क्या होता है, बढ़ना, और उसे बढ़ते हुए देखो। मीन्स जब एक प्लांट को, जब एक सीड को हम, सॉरी, सीड को ज़मीन में उगाते हैं, ज़मीन में डालते हैं, मिट्टी में, तो क्या होता है, वो कुछ दिनों के बाद बढ़ने लगता है। Watch it spread its wings of life, withstand the heat and snow. Watch it, spread means होता है फैलाना, जैसे कोई चीज़ फैला दें। Its wings of life, wing होता है पंख, जिंदगी के पंख। Withstand the heat and snow, withstand का मतलब होता है boldly face करना, बहादुरी से सामना करना। Heat and snow, heat हो गई गर्मी और snow हो गई बर्फ, जो बर्फीली जगह होती है, ठंडी जगह होती है। कि जब हम एक सीड को ग्राउंड में प्लांट करते हैं तो वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, जैसी भी मौसम की सिचुएशन हो, वो उन सब का बहादुरी से सामना करते हुए अपनी ज़िंदगी के पंख खोलता है। ज़िंदगी के पंख खोलना क्या मतलब है, स्प्रेड इट्स विंग्स ऑफ लाइफ, कि जब आप एक सीड को ग्राउंड में प्लांट करेंगे तो उसमें से एक छोटा सा पौधा, सीडलिंग, जिस पर दो पत्ते होते हैं, और वो निकलता है और वहाँ से आपकी सीड की लाइफ शुरू होती है। जो एक सीड होता है वो जब तक सीड है वो नॉन लिविंग थिंग होता है,
आप इसी सीड को डिब्बे में बंद रखो तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, वो बढ़ता नहीं है, कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम उसे ग्राउंड में प्लांट करते हैं, ज़मीन में प्लांट करते हैं, धरती में प्लांट करते हैं, तो उसमें से एक छोटा सा पौधा निकलता है। और पौधा कैसा होता है? लिविंग थिंग्स में काउंट होता है। वो सांस लेना शुरू करता है, वो अपनी ज़िंदगी के पंख खोलता है, मतलब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है। Withstand the heat and snow का मतलब बहादुरी से गर्मी और सर्दी, सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस का सामना करना। Watch its leaves turn many shades. Watch it and you will see that by and by your seed will grow and sprout into a tree. Watch its leaves turn many shades. कि आप क्या देखोगे, जैसे जैसे एक पौधा बढ़ता है उस पर बहुत सारे सीजन्स गुजरते हैं, मतलब कभी ऑटम आ गया, कभी स्प्रिंग आ गई, कभी विंटर आ गई, और कभी समर सीज़न आ गई। और जैसे जैसे सीज़न बदलते हैं तो इनके शेड्स, जो ट्रीज़ के लीव्स हैं, पत्ते होते हैं, उनकी भी शेड्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स चेंज होती रहती है। सर्दियों में झड़ जाते हैं, पतझड़ में पीले होकर पतझड़ में पीले होकर झड़ने लगते हैं, फिर स्प्रिंग सीजन में दोबारा फिर वो उस पर नए नए पत्ते आते हैं, तो कभी लाइट ग्रीन, कभी डार्क ग्रीन और कभी येलो। इस तरह से पेड़ों के जो पत्ते हैं, रंग बदलते रहते हैं, शेड्स बदलते रहते हैं। वॉच इट एंड यू विल सी दैट बाय एंड बाय योर सीड विल ग्रो एंड स्प्राउट इनटू अ ट्री। स्प्राउट क्या होता है? प्रोड्यूस न्यू लीव्स एंड ब्रांचेज। कि आप जब उसे उगाओगे ज़मीन में तो आप देखोगे कि उसके पत्ते डिफरेंट कलर्स चेंज कर रहे हैं, डिफरेंट सीजन्स एक पेड़ के ऊपर से गुजरते हैं। और आप देखोगे बाय एंड बाय, दिन बर दिन, हर रोज़ आप देखोगे अपने पेड़ को, अपने सीड को उगाए हुए को बढ़ते हुए, और एक दिन वो क्या हो जाएगा, एक बड़े पेड़ के रूप में स्प्राउट हो जाएगा। मतलब छोटा सा जो सीड आपने उगाया है, आप देखोगे उसे, दिन महीने साल गुजरेंगे तो वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। उस पर बहुत सारी लीव्स आ जाते हैं, ब्रांचेज आ जाती हैं और एक बड़े पेड़ का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट, और यहाँ पर आप इस फर्स्ट स्टैंजा में और सेकंड स्टैंजा में भी देखोगे कि राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम क्या होती है। जैसे हमारा लास्ट के वर्ड हैं ग्राउंड, ग्रो, लाइफ, स्नो, तो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट ग्राउंड और ग्रो दोनों की सेम साउंड नहीं है पीछे की, ना ही ग्रो और लाइफ की है, ना ही लाइफ और स्नो की है। तो यहाँ पर जो सेम साउंड है इन वर्ड्स में से, फोर वर्ड्स आपके फर्स्ट स्टैंजा में हैं लास्ट वाले, तो उनमें से ग्रो और स्नो ओ डब्ल्यू दोनों के पीछे है और सेम साउंड है। ग्रो ओ की साउंड आ रही है लास्ट में और स्नो में भी ओ की साउंड, तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ऐसे ही सेकंड स्टैंजा में सी ट्री, सी ई की आवाज़ और ट्री में भी ई की आवाज़ आ रही है, तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Its roots grow deep and its shade is cool. It stands strong as years pass by. कि जैसे एक सीड आपका उगाया हुआ बड़ा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा ऊपर की तरफ होता है तो उसकी जड़ें, रूट्स क्या होती हैं, जड़ें उतनी ही गहरी होती जाती हैं। देखो एक छोटा पौधा होता है तो आप उसे क्या करते हो, आप उसे बड़े इजीली उखाड़ सकते हो, क्योंकि जो उसकी रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो थोड़ी जगह में फैली होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता है, एक बड़ा पेड़ बन जाता है, तो उसकी जड़ें भी उतनी ही गहराई तक ज़मीन में और उतनी दूर दूर तक फैल जाती हैं, उसे उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से इट्स रूट्स ग्रो डीप, इट्स शेड इज़ कूल, और जैसे वो बड़ा होगा तो उसकी उस पर बहुत सारी ब्रांचेज आएंगी, लीव्स आएंगे, और वो बहुत घना हो जाएगा, डेंस हो जाएगी उसके पत्ते, और कि उसमें से सूरज की किरणें भी नहीं गुजरती। देखा होगा आपने कि जो पेड़ बहुत पुराना होता है तो उसकी छाया बहुत ठंडी होती है। इट स्टैंड्स स्ट्रॉन्ग एज ईयर्स पास बाय, पास बाय बीत जाना, कि ये जो आपका सीड उगाया हुआ है, एक पौधा, एक पेड़ बनता है और सालों तक ऐसे ही स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है जैसे वो
अभी ही बड़ा हुआ है, मीन्स इट स्टैंड स्ट्रोंग एज ईयर्स पास बाय, सालों बीत जाते हैं, वो आपके द्वारा उगाया हुआ एक सीड जब एक पेड़ बन गया तो वो सालों तक ऐसे ही खड़ा रहता है. बट वन डे सून इट नोज इट मस्ट ग्रो ओल्ड विदर एंड डाई. लेकिन एक दिन उस पेड़ को भी पता है कि मुझे ग्रो ओल्ड, ओल्ड मीन्स बूढ़ा हो जाना है, विदर मुरझा जाना, विदर क्या होता है, मुरझा जाना एंड डाई और मर जाना है. क्या पेड़ मरते हैं? यस. कैसे? देखो, वन डे इट सून इट नोज इट मस्ट ग्रो ओल्ड. आजकल आपने पता नहीं देखे होंगे या नहीं, लेकिन कहीं गाँव में अगर आप जाते हो तो आपने खेतों में या कहीं ऐसी जगह चौपाल वगैरह में बहुत पुराने पुराने पेड़ खड़े होते हैं, और वो पेड़ देखने से ही लगते हैं कि बहुत साल पुराना है. और फिर एक दिन क्या होता है कि उन पेड़ों पर पत्ते ब्रांचेज आना बंद हो जाती हैं, वो सूखना शुरू कर देते हैं, और पेड़ पौधों पर पक्षी उन पर घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं, उसे अंदर से खोखला कर देते हैं. और इस तरह से जब कोई एक पेड़ सालों तक, सैकड़ों सालों तक खड़ा रहता है तो वो बूढ़ा हो जाता है, और फिर क्या होता है, एक दिन आंधी तूफान जरा सा आया और वो पेड़ गिर जाता है, मीन्स डेड हो जाता है. इसी तरह, क्योंकि आजकल हमें ये नहीं देखने को मिलता, क्योंकि हम पेड़ों को बड़ा ही नहीं होने देते, उनकी एज तक नहीं जाने देते, हम पेड़ों को पहले ही काटते जा रहे हैं, हरे भरे पेड़ों को. लेकिन अगर हम किसी पेड़ को नहीं काटेंगे तो वो ज़रूर एक दिन बूढ़ा होता है और मुरझा जाता है और एक दिन गिर जाता है नीचे, मींस मर जाता है. नेक्स्ट देखेंगे, और इसमें क्या है, बाय डाई, ये आपके राइमिंग वर्ड्स हैं. ट्रीज पास अवे, पास अवे मीन्स डाई. ट्रीज पास अवे देयर रूट्स ड्राई अप, कि जब एक पेड़ बूढ़ा होकर मर जाता है, पास अवे मीन्स मर जाता है, डेड हो जाता है, देयर रूट्स ड्राई अप, उनकी जड़ें भी सूख जाती हैं. दे फुलफिल देयर लाइफ लॉन्ग डीड, फुलफिल करना, पूरा करना, लाइफ लॉन्ग डीड, जीवन का जो कार्य होता है, एक पेड़ का क्या कार्य होता है, ह्यूमन बींग्स की सेवा करना, अपनी शेड देना, फल फ्रूट देना, छाया देना, लकड़ी देना, मेडिसन्स देना, तो इस तरह से वो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करता है. बट इफ़ यू लुक आई एम श्योर यू विल फाइंड दैट दे हैव लेफ्ट बिहाइंड अ सीड. लेकिन अगर आप इस बात को ध्यान से देखो कि जब एक पेड़ बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है, डेड हो जाता है, आई एम श्योर कि मुझे पक्का विश्वास है, यू विल फाइंड, तुम्हें पता लगेगा, तुम देखोगे, दे हैव लेफ्ट बिहाइंड अ सीड, कि हर एक मरा हुआ पौधा अपने पीछे सीड्स छोड़ जाता है. कैसे? कि जो भी पौधा है आपने उगाया हुआ, वो बड़ा हुआ, उस पर फल फूल आए, और उन फल फूलों में से क्या निकलते हैं, सीड. और वो सीड क्या कर सकते हैं, हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टैंजा में, कि हर एक मरा हुआ पौधा अपने पीछे क्या छोड़ जाता है, सीड. और उन सीड्स को हम क्या कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट पैसेज में देखेंगे, स्टैंजा में, प्लांट द सीड इन टू द ग्राउंड, स्टैंड बैक एंड वॉच इट ग्रो, वॉच इट स्प्रेड इट्स विंग्स और ऑफ लाइफ, विदस्टैंड द हीट एंड स्नो. कि प्लांट द सीड, द सीड कौन सा सीड, जो सीड आपने उगाया था उससे जो एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ, और वो पेड़ अपने पीछे मरने के बाद जो सीड छोड़ गया, उस सीड को दोबारा फिर से उगा कर देखो, सेम प्रोसीजर दोबारा शुरू होगा, वो फिर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस का सामना करते हुए अपनी लाइफ के पंख खोलेगा, ज़िंदगी की शुरुआत करेगा. तो ये फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा को रिपीट किया गया है, इसमें सेम प्रोसीजर आपको वहाँ से अपने उगाए हुए पौधे से, पेड़ से सीड मिलेंगे, और उन सीड को आप दोबारा उगाओगे तो फिर वो सीड दोबारा फिर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस का सामना करते हुए उगेगा. Watch its leaves turn many shades. Watch it and you will see that by and by your seed of love has grown into a tree.
सेम प्रोसीजर फिर दोबारा से होगा। इस सेम स्टैंजा है ये, सेकंड फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा को रिपीट किया गया है, तो सेम है कि आपने जब वो उस बीज को उगाया तो दोबारा फिर वो एक ट्री के रूप में स्प्राउट हुआ, बड़े बड़े ब्रांचेज आई उस पर, फल फूल आए, पत्तियां आई। तो यहाँ पर इस पोएम में क्या कहना चाहता है बच्चा, बच्चे का नाम क्या है जिसने ये पोएम लिखी हुई है? चेल्सिया एल क्लैफर। तो इसके पोइट का नाम भी आप लर्न करोगे और पोएम का नाम भी, इसमें से एक स्टैंजा भी आता है प्रैक्टिस के लिए, पेपर में भी आता है। तो इस पोएम के माध्यम से जो बच्चा है ये चेल्सिया एल क्लैफर हमें क्या संदेश देना चाहता है, मैसेज, कि वन शुड प्लांट सीड्स, कि सीड्स की कितनी वैल्यू है। एक सीड को जब हम ज़मीन में उगाते हैं तो वो कैसे एक पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, और कैसे हमारी केयर करता है। जैसे ट्रीज़ हमारी केयर करते हैं तो हमें भी उनकी ऐसे ही केयर करनी चाहिए। कैसे हम उनकी केयर कैसे कर सकते हैं, उगाते हैं जब हम उन पेड़ सीड को या पौधे को, तो उसकी केयर करनी चाहिए, प्रॉपर खाद देनी चाहिए, मैन्योर, और उसमें पानी देना चाहिए, और उसकी केयर करनी चाहिए जब तक वो एक पेड़ नहीं बन जाता। क्योंकि जब वो छोटा होता है पौधा, उसे तभी ज़रूरत होती है हमारी केयर की। जब वो अपने आप थोड़ा और बड़ा होगा तो वो अपने आप अपने ज़रूरतें पूरी करने लगता है, तो हमें उनकी केयर करनी चाहिए। आई होप यू लाइक द पोएम। Thank you. Have a nice day.